हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बॉलीवुड फिल्म राम रतन, इस मूवी की रेटिंग, कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स की डिटेल्स, साथ ही फिल्म के बजट और कलेक्शंस, ये सब अपडेट्स मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो आप लोगों में से ही किन्हीं दो लोगों की रिक्वेस्ट पर है। एक का नाम है अयान शेख, एक और है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने इस वीडियो की रिक्वेस्ट आज से 3 से 4 महीने पहले की थी और मैंने उनका कमेंट आज पढ़ा। चलिए, राम रतन बॉक्स ऑफिस पर 3 नवंबर 2017 को रिलीज हुई थी। फिल्म को रेटिंग तो काफी अच्छी मिली थी, लेकिन कलेक्शन कुछ खास नहीं हुआ था। फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स और 4.5 स्टार्स की रेटिंग मिली थी और ये एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसको गोविंद सकारिया ने डायरेक्ट किया था। इसको प्रोड्यूस किया था संजय पटेल, अश्विन पटेल और भरत दोडिया ने। अब करते हैं फिल्म की कास्ट की बात, तो इसमें ऋषि भूटानी, डेजी शाह, काव्या किरण, महेश ठाकुर, सुधा चंद्रन, राजपाल यादव और एंजेला क्रिसलिंस्की लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे और सतीश कौशिक भी थे। फिल्म का बजट नहीं पता चला। कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने इंडिया में अपने जो लाइफ टाइम नेट कलेक्शन की थी वो थी 12 लाख रुपए की और ग्रॉस कलेक्शन 14,75,000 रुपए का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दी कि राम रतन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।